हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोमेश बालाजी के और एक हेल्थ रिलेटेड वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलोनोस्कोपी के बारे में। अगर आपके डॉक्टर आपको कोलोनोस्कोपी रेकमेंड कर चुके हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि हम सारे डिटेल्स बताएंगे कैसे कोलोनोस्कोपी होता है, आपको कोलोनोस्कोपी के लिए क्या करना चाहिए, पहले से क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्यों कोलोनोस्कोपी दिया जाता है और इसमें पेन कितना होगा, सब कुछ। तो इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखिए। ओके, तो चलिए, एंडोस्कोपी के बारे में तो हम पहले बात कर चुके हैं। यह है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी मतलब लोअर जीआई एंडोस्कोपी। लोअर जीआई मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के निचले हिस्से का जो है हम वीडियो करते हैं, इमेजिंग करते हैं, लाइव इमेजिंग। ठीक है, अब पूछ सकते हो मुझसे कि आप नॉर्मली यूएसजी का वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, हमने बोले कि यूएसजी में हम पूरा एब्डोमेन देख पाते हैं, ऊपर से लेकर नीचे निचले हिस्से तक का एब्डोमेन का सब कुछ हम बोल सकते हैं यूएसजी को देखकर, तो हम क्यों कोलोनोस्कोपी क्यों करेंगे भाई? बात ये, देखो एंडोस्कोपी में क्या पता चलता है, यूएसजी में क्या पता चलता है? यूएसजी में पता चल सकता है लीवर ठीक है या नहीं, यूएसजी में पता चलता है कि पैनक्रियस ठीक है या नहीं, यूएसजी में पता चल सकता है कि जो जेनिटल्स है वो ठीक ठाक है या नहीं। ठीक है, ये सब कुछ मतलब अगर कोई ऑर्गेन में कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होता है, कोई ट्यूमर वगैरह ऐसा कुछ सजेस्ट होता है, तब जाके यूएसजी किया जा सकता है, या फिर प्रेगनेंसी में ये रिकमेंड कर सकते हैं। मगर कोलोनोस्कोपी हम रिकमेंड करते हैं कब? कोलोनोस्कोपी रिकमेंड तब होता है जब आपको लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन रिलेटेड कुछ इश्यू हो। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नॉर्मली आता नहीं उतना ज्यादा, तो मैं इंटेस्टाइन बोल के बताऊंगा आपको। तो यहां पर बात यह होता है कि एंडोस्कोपी में मुंह से जो होता है एंडोस्कोप इंसर्ट किया जाता है। एंडोस्कोप क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये नहीं एंडोस्कोप, ये कॉर्ड है, ऑडियो जैक है, मगर ऐसा ही पाइप होता है, इससे बहुत सारा, इससे थोड़ा मोटा और एकदम सामने के हिस्से पर यहाँ पर कैमरा लगा हुआ होता है। तो एंडोस्कोपी में मुंह से उसको इंसर्ट किया जाता है, कहां तक? स्टोमक तक। और कोलोनोस्कोपी में वो पीछे से, मतलब आपके रेक्टम में से उसको इंसर्ट किया जाता है, एनस में से इंसर्ट किया जाता है, और पूरा मतलब ऐसे इंसर्ट करके पूरा ऐसा जाएगा, ऐसे इसको घूर घूर कर ऐसा जाएगा, फिर से ऐसा जाएगा, फिर से ऐसा यहां तक ये जाएगा, या फिर कभी कभी इसके अंदर भी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये चला जाएगा, ये पूरा प्रोसेस ऐसे घूमता रहता है। अभी बात यह है कि क्यों, अगर आपको कोलोनोस्कोपी दिया गया तो क्यों दिया गया है? नॉर्मली कोलोनोस्कोपी दिया गया है क्यों? क्योंकि ताकि आपको, मतलब मानो कि आपका स्टूल में ब्लीडिंग आ रहा है और पेट में दर्द रहता है। कहां पर दर्द रहता है? लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन मतलब ये नॉर्मली हमारा एब्डोमेन होता है आप ये, ठीक है, लोअर एब्डोमेन मतलब ये राइट साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है आपका, लेफ्ट साइड में भी पेन हो सकता है आपका, यहाँ पे दर्द हो रहा है आपका बहुत दिन से और खून निकल रहा है आपका स्टूल के साथ, या फिर आपका स्टूल का कलर ब्लैक हो रहा है, काला हो रहा है। ओके, तो ये सब अगर होता है तब जाके आपको कोलोनोस्कोपी दिया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली कैसे डायग्नोस करते हैं डॉक्टर्स? वो चेक करते हैं पहले आपका ब्लड काउंट, नॉर्मल ब्लड काउंट आपका कैसा है। अगर आपका ब्लड काउंट नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे कम हो रहा है, मगर आपका जो स्टूल है उसमें आप ब्लीडिंग नहीं देख पा रहे, स्टूल में ब्लीडिंग देख भी सकते हो आप, नहीं भी देख सकते हो, उसका मतलब ये नहीं है अगर स्टूल में ब्लीडिंग नहीं दिखाया गया है मतलब अंदर ब्लीडिंग नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता है। स्टूल क्या होता है? स्टूल का कलर नॉर्मली ब्राउन होता है, येलो से ब्राउन। अगर स्टूल का कलर ब्लैक होता है उसका मतलब है आपका आइदर, नॉर्मली कुछ कुछ मेडिसिन लेने पर वो होता है, आयरन टैबलेट लेने पर वो होता है। नॉर्मली अगर कोई टैबलेट आप नहीं ले रहे हो फिर भी आपका ब्लैक कलर का स्टूल हो रहा है और आपको दर्द है एब्डोमेन में, उसका मतलब है आपका एब्डोमेन, मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर बड़ा इंटेस्टाइन, इसमें से किसी भी जगह से कुछ खून निकल रहा है। खून अगर ऊपरी हिस्से से, मतलब अगर स्टोमक से निकलता है तो जाके जो स्टूल है वो ब्लैक होगा। अगर खून ये डाइजेस्टिव सिस्टम के निचले हिस्से से निकल रहा है, बड़े इंटेस्टाइन के निचले हिस्से से निकल रहा है, तो डायरेक्ट खून मतलब ब्राइट रेड कलर का खून होगा। ठीक है, हो सकता है आपका पाइल्स हो सकता है, फिशर हो सकता है, इसके वजह से भी खून आ सकता है। तो ये सब कुछ जानने के लिए, अगर पाइल्स और फिशर है उसका दूसरा टेक्निक्स और डायग्नोसिस टेक्निक्स है, वो विदाउट कोलोनोस्कोपी ही डायग्नोस हो जाता है, बाहर से देखकर ही फिजिकल उंगली से एग्जामिन करके ही हो जाता है। मगर अगर उंगली से एग्जामिन करने के बाद, बाहर से देखने के बाद पता नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, तब जाके आपको कोलोनोस्कोपी रिकमेंड कर दिया जाएगा। और तब कोलोनोस्कोपी में हम क्या देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूं, यहां आप देख सकते हो, यहां पर ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं स्मॉल इंटेस्टाइन को यहां से हटा देता हूं, ठीक है, हटा दिया मैंने ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हटा दिया, मैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में ही बात कर रहा हूं। आप देख सकते हो लार्ज इंटेस्टाइन यहां पर,
ठीक है, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बात यह है कि नॉर्मली पीछे से मतलब आपके रेक्टम में से, एनस के एरिया में से, ओपनिंग में से ये कैमरा के साथ जो ये पाइप होता है ये अंदर से आएगा और यहाँ पर मान लो ये आकर ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये अंदर से आया है ऐसा, और ये जो पाइप है ये ऐसा पाइप इसके अंदर से ऐसा जाते हुए, यहाँ पर मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको, देखो ठीक है, ऐसा जाते हुए इसके अंदर से होते हुए ऐसे करते हुए यहाँ तक चला जाएगा। यहाँ पर क्या होता है आपका अपेंडिक्स रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा पीछे से होते हुए ऐसे ऐसे नीचे से मुड़ता हुआ, जैसे जैसे आपका इंटेस्टाइन मुड़ रहा है ऐसे ऐसे मुड़ता हुआ एकदम कहाँ तक चला जाएगा आपका, यहाँ तक, यहाँ पर जहां पर आपके अपेंडिक्स है, हो सकता है आपको अपेंडिसाइटिस हो और सब कुछ, तो ये सब देखोगे। इसके बाद क्या होता है धीरे धीरे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ज्वाइंट है जहां पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके बाद ये कैमरा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर घुस जाएगा और कुछ देर जाने के बाद इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हम चेक कर सकते हैं इसके इसके द्वारा, ओके। तो ये हम चेक करेंगे। अभी बात ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता हुआ होगा यहाँ पर कि अगर ये टेस्टिंग यहाँ पर ऐसे हो रहा है तो कैसे ये पॉसिबल है, क्योंकि एक चीज ही उसके अंदर से ऐसे घुसाना, तो स्टूल का क्या होगा। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, कोलोनोस्कोपी के लिए आपको अपने जो बावल है मतलब जो इंटेस्टाइन है उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, रेडी करना पड़ता है। तो बावल प्रिपरेशन मतलब क्या बोलते हैं हम इसको, मतलब ये होता है कि आपके जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर किसी भी जगह पर कहीं भी जगह पर स्टूल नहीं होना चाहिए, मतलब टोटली क्लीन होना चाहिए। तो इसके लिए टैबलेट्स होता है, पाउडर फॉर्म में भी मेडिसिन मिलता है जो आपको लेना पड़ता है। तो नॉर्मली मांगो कि आप 10 बजे सुबह 10 बजे आप ये टेस्ट करोगे, सेम केस आपको 12 घंटा पहले खा लेना चाहिए, उसके बाद आप कुछ नहीं खाओगे, कुछ नहीं खाना है आपको। फिर सुबह मतलब सुबह उठकर आप अगर 10 बजे आपका अपॉइंटमेंट है कोलोनोस्कोपी के लिए तो आप 5 बजे 6 बजे उठ जाइए, बहुत सारा पानी पीजिए, उसके साथ साथ वो जो पाउडर फॉर्म में मेडिसिन है वो या फिर एक टैबलेट भी हो सकता है वो आप ले लो, उसको लेने के बाद आपको जाके लैट्रिन में बैठ जाना है बस। बहुत से टाइम लग सकता है आपको, 40 मिनट एक घंटा डेढ़ घंटा, क्या होता है कि धीरे 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 टोटल जो आपका स्टूल है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है वो निकल जाएगा, सब निकलना चाहिए, ओके। और अच्छे से अगर करते हैं तो सब निकलता है, तो आपको तब तक यहां पर बैठ रहना है जब तक सिर्फ पानी नहीं निकलता है। एंड तक आप देखोगे अगर आप बैठे रहे तो आखिर में सिर्फ पानी निकलेगा और कुछ नहीं, इसका मतलब है आपका जो कोलोन है वो पूरा के पूरा साफ हो चुका है। कोलोन पूरा साफ हो जाने के बाद आप पानी नहीं पियोगे, कुछ नहीं पियोगे, क्योंकि पानी पियोगे फिर से क्रैम्पिंग हो सकता है, हो सकता है आपको बहुत सारा क्रैम्पिंग हो, एट दैट टाइम क्रैम्पिंग होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर कोलोनोस्कोपी आप करना चाहते हो तो ये बेहतर है कि आप चूज करो आपके घर के नजदीकी कोई क्लिनिक, क्योंकि हो सकता है कि आपको क्लिनिक के जाने के टाइम पे फिर से जाना पड़े लैट्रिन पे। और अगर आप हॉस्पिटल में जाके कर रहे हो तो आप वहां पे जाके ही टैबलेट और मेडिसिन लो और वहां का टॉयलेट यूज करो और फिर ये प्रोसेस वहां पे करो, ये दो हो सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो जब पूरा क्लीन हो जाएगा तब जाके कोलोनोस्कोपी होगा। बट कोलोनोस्कोपी होने के टाइम पे अभी बात होता है जब कैमरा अंदर घुसाया जाएगा, क्या देखने के लिए, पूरा के पूरा आपका कोलोन के अंदर कैसा दिखता है, क्या स्ट्रक्चर है, सब कुछ नजर आएगा, उसका वीडियो भी किया जाएगा और उसका पिक्चर भी लिया जाएगा। ये कोलोन का डिफरेंट अलग अलग हिस्से को अलग अलग नाम से हम जानते हैं, ओके, सिग्मोइड कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, ऐसे अलग अलग नाम है, मैं यहाँ पर वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हर एक कोलोन की पार्ट का पिक्चर लिया जाएगा, कोलोन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है उसको देखा जाएगा, अगर कोई कोलोन के अंदर क्या हो सकता है, नॉर्मली अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो हो सकता है कि कोलोन के अंदर आपका कोई घाव जैसा हो, उसके अंदर आपका कुछ मतलब इन्फेक्शन जैसा हो, ये हो सकता है, हो सकता है कोलोन के अंदर आपका थोड़ा ट्यूमर जैसा ऐसा ग्रोथ हो जिसको हम पॉलिप बोलते हैं, कोलोन पॉलिप हो सकता है, तो ये सब हो सकता है। तो जो भी कुछ यहाँ पर होगा ये सब कुछ उस कैमरे के जरिए देखा जाएगा, फोटो भी खींचा जाएगा और वीडियो भी किया जाएगा। हर जगह पे वीडियो नहीं करते हैं, आप बोलोगे तो वीडियो कर देंगे, बोलो वो कैसेट में वीडियो दे देंगे आपको। तो यहाँ पर रहता है ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस तकरीबन कितना टाइम लगता है होने में, 15 से 20 मिनट, कुछ कुछ टाइम पर 25 मिनट तक हो सकता है। अभी बात यह कि ये टेक्निक होने में आपको पेन दर्द होगा या नहीं, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, कोलोनोस्कोपी में दर्द होता है, दर्द होता है मतलब नॉर्मली बहुत ही डिस्कम्फर्टेबल एक टेस्ट है, अनकंफर्टेबल टेस्ट है, बहुत एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है, मगर ये थोड़ा इरिटेटिंग है। क्यों इरिटेटिंग है कि पहली बात तो आपको कोलोन को क्लीन करना है, उसके लिए आपको बहुत सारा क्रैम्पिंग पहले सहना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप जब टेस्ट करवा रहे हो तब जाके नॉर्मली जब घुसेगा, पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब पहले जब घुसेगा यहां से घुस रहा है ठीक है तो यहां तक आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आप फील नहीं करोगे। इसके बाद देखो एक बेंड है ऐसा,
इसके तरह एक बेंड, फिर और एक बेंड। तो जब वो पाइप विद कैमरा बेंड में से गुजरेगा तब आपको लगेगा कि कुछ अंदर आपको फाड़ दिया जा रहा है, ऐसा फीलिंग होगा, क्योंकि कोलोनोस्कोपी मेरा हो चुका है, मैं खुद आपको बता सकता हूँ। तो इसके वजह से क्या होगा, आपको जब भी बेंड से गुजरेगा आपको डॉक्टर बोलेगा कि आप बोलेंगे जब आपको लगे तो आप मुझे बताइएगा। तो वहां पर बहुत पेन होता है जब बेंड से गुजरता है, पहले बेंड गुजरने के बाद जितना दर्द होता है, सेकंड में बेंड गुजरने के बाद उससे भी ज्यादा, और यहाँ पर थर्ड के बाद तो बहुत ही दर्द होता है एक टाइम के बाद, अगर आपको एनेस्थेशिया, बिना एनेस्थेशिया का ये प्रोसेस किया जाए तो। और मेरा बिना एनेस्थेशिया की प्रोसेस हुआ था, तो नॉर्मली यंग एज के लोग हैं तो बिना एनेस्थेशिया का ही ट्रीटमेंट यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है। और अगर आपका एज ज्यादा होता है, 65 प्लस होता है, तब जाके वो लोग रिस्क नहीं लेते हैं, या फिर आप और भी कोई बीमारी से जूझ रहे हो तब वो लोग रिस्क नहीं लेंगे, तब वो आपको एनेस्थेशिया करके ही कर सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप बोल सकते हो कि मुझे एनेस्थेशिया करो, फिर उसके बाद ये टेस्ट करो, क्योंकि एनेस्थेशिया करने के बाद अगर टेस्ट होता है तो जब ज्ञान आएगा आपका, ध्यान आएगा, उसके बाद आप देखोगे थोड़ा बहुत भारी की सा कुछ है अंदर, सम ऐसा कुछ लग रहा है, गैस कुछ लग रहा है ऐसा अंदर, क्योंकि टोटल खाली होता है, गैस से भरा हुआ होता है जो निचले हिस्सा पूरा, तो ऐसा फील होगा, मगर फिर भी वो जो दर्द तब लगता है वैसा दर्द आपको महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो पेन रेटिंग में इसको 10 में से 8, 7, 7.5 दे दूंगा इसमें। तो क्योंकि बहुत सारा पहले का एक प्रोसेस है, उसके बाद पेन भी होता है, मगर बाईपास, इसका बाईपास नहीं है। क्यों बाईपास नहीं है? बेरियम एक्सरे एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम ये सारे के सारे चीज पता कर सकते हैं कि कोई पॉलिप है या नहीं, अंदर कुछ घाव, मतलब अंदर कोई घाव है या नहीं, अंदर कोई इन्फेक्शन है या नहीं, मगर बेरियम एक्सरे इंडिया में वैसा किया नहीं जाता है। डॉक्टर्स पसंद करते हैं एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है, रिपोर्ट भी जल्दी आता है। और एक बात है कि जब ये करते हैं हम, इसके करने के दौरान अगर कोई पॉलिप मिले, ऐसा कोई ग्रोथ मिले, सस्पेक्टेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ मतलब एक चांस रहता है कि वो कैंसरस हो, और खास करके अगर आपका एज, उम्र 60 साल से ज्यादा हो और उसके बाद कोई ऐसा ग्रोथ पॉलिप आपके इंटेस्टाइन में पाया गया हो, उसके मतलब है हो सकता है वो आपका कोलोन कैंसर हो। इसीलिए अगर ग्रोथ पाया जाता है तो उसको वहां से छोटा एक हिस्सा टिश्यू का लिया जाता है, उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। तो ये सब हम कर सकते हैं एक ही टाइम पर कोलोनोस्कोपी करने के द्वारा, जो हम और कोई टेक्निक से नहीं कर सकते, इसलिए कोलोनोस्कोपी ज्यादा फेमस है, एंडोस्कोपी ज्यादा फेमस है कंपेयर टू बेरियम एक्सरे। ठीक है, तो ये होता है टोटल कोलोनोस्कोपी की बात। अब बात करें, ये कोलोनोस्कोपी आपको दिया गया है और आज कल आपको करना है, आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल डरिए मत, आप जैसे कहा गया है वैसे डॉक्टर्स या फिर क्लिनिक से फॉर्मुलेशन दिया जाता है, कौन से मेडिसिन लेना है सुबह, वो लेकर क्लीन हो जाइए, उसके बाद कोलोनोस्कोपी कीजिए। अगर आप पेन ना लेना चाहते हो, और उसके बाद का तो पेन थोड़ा बहुत गैस वगैरह वो सब रहेगा, पेन इनिशियली अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप अपने हॉस्पिटल से या फिर क्लिनिक से बात कर सकते हो, बोल सकते हो कि एनेस्थेशिया करने के बाद ये प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जगह पर एनेस्थेशिया करने के बाद ये प्रोसेस किया जाता है। पर्टिकुलरली कुछ ऐसा प्रोसेस जिसको हम ERCP, MRCP बोलते हैं, वो सब प्रोसेस में टोटली एनेस्थेशिया इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जाके ERCP नहीं हो रहा है, इसलिए एनेस्थेशिया नहीं किया जाता, क्योंकि ERCP में वहां पर अंदर की तरफ एक छोटा माइक्रोसर्जिकल एक प्रोसेस किया जाता है, यहाँ पर वो नहीं किया जाता, इसलिए एनेस्थेशिया नहीं दिया जाता है। मगर अगर आप चाहते हो कि आपको दर्द एकदम ना महसूस हो जब ये प्रोसेस है, तो आप सिंपली उन लोगों से कह सकते हो कि एनेस्थेशिया करके ही आपको ये प्रोसेस किया जाए। ओके, तो ये बात है। तो कोलोनोस्कोपी के साथ साथ आपको आपको हेल्थी कोलन का फीचर पता चल जाएगा, तो क्या सस्पेक्ट हो सकता है, कोई पॉलिप हो सकता है, कोई ग्रोथ हो सकता है, कोई यहाँ पर घाव हो सकता है, या फिर अगर रेक्टम का कोई इश्यू होता है तो कोलोनोस्कोपी नहीं चाहिए। और एक बात, डॉक्टर्स बहुत जगह पर ऐसा होता है कि आपको जरूर मतलब पता चलने के बावजूद भी वो एंडोस्कोपी आपको करने बोलते हैं, कोलोनोस्कोपी आपको करने बोलते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का कमाई रहता है उसमें। तो अगर आपको प्रॉब्लम है रिलेटेड टू पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये सब प्रॉब्लम होता है, तो आप कोलोनोस्कोपी मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके अंदर फिशर है और कोलोनोस्कोपी आप कर रहे हो तो इतना पेन होगा आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, तो ये अच्छी बात नहीं। कुछ डॉक्टर्स ऐसे करते हैं, तो ये आप देखिए, अगर ये प्रॉब्लम आपका सिर्फ एनल एरिया का होता है, एनल रीजन का होता है, जो कि तीनों टाइप का डिजीज होता है, चार टाइप का डिजीज होता है, फिशर, फिस्टुला, पाइल्स और एब्सेस, ये चारों तरीके का जो प्रोसेस है वो फिजिकल एग्जामिनेशन करने के साथ एक सर्जन अगर उंगली से एग्जामिन करे या फिर टॉर्च देकर एग्जामिन करे उससे ही पता चल जाता है, उसके लिए कोलोनोस्कोपी करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा अगर आपको ऐसा कहा जाए तो, क्योंकि कोलोनोस्कोपी उसमें
बेफालतू की होगी, खर्चे भी ज्यादा होगी और उसमें पेन भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये बात होगी कोलोनोस्कोपी की। तो अगर आपको कोलोनोस्कोपी दिया गया है तो बिल्कुल डरिए मत, जैसा कहा गया है ऐसा देखिए, ऐसा ये प्रोसेस है, 15-20 मिनट लगेगा, उसके बाद यू आर फ्री, घर जाके नॉर्मल डाइट खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही बात है। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे आपको, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, लोगों के साथ, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि ये प्रोसेस कैसा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और भी ऐसे वीडियो आने वाला है चैनल पर, तो ये वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू, नमस्कार, बाय।